जी हाँ नमस्कार साथियों, एक और बड़ी खबर सीकर जिले से मिल रही है। जिले में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को लेकर एक और बड़ी सड़क भिड़ंत का मामला सामने आ रहा है। मामले की जांच कर रहे पुलिस प्रशासन का कहना है कि दरअसल एक ही परिवार के 3 सदस्य बाइक पर सवार होकर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में एक ट्रक पास से गुजर रही बाइक पर जा पलटा था और ऐसे में तीनों को अंजाम मिला है। फिलहाल मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि घटनाक्रम सीकर के पलसाना इलाके में हुआ है, जिसमें मृतकों में बंदी सर पिंकी और दीपेश तीन की पहचान हो पाई है। पुलिस प्रशासन मामले की जांच कर रही है। तीनों सामोद इलाके के नांगल के रहने वाले। दरअसल गुरुवार शाम तीनों ही अपने बाइक पर सवार होकर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने के लिए झुंझुनू के ढूंढलोल रवाना हुए थे। ऐसे में पलसाना इलाके में मंडा मोड़ पर दूध के पैकेट से भरा ट्रक गुजर रहा था, वहीं सड़क किनारे से आ रहे ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में पलटी खा गया और बैलेंस बिगड़ कर इस वारदात को अंजाम मिला है। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है, वहीं परिजनों की मौजूदगी में ही तीनों को मेडिकल मुआयना कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। उधर मामले में जांच की जा रही है। सो दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कृपया वाहन सावधानी से चलाएं। सो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल से। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।